यार ये आखिर क्या चीज़ है? मैंने इसके पीछे भी कोई ज़रूर कहानी होगी। जानने के लिए व्लॉग को एंड तक देखें। सलमान भाई, ये तू सुबह सुबह कहाँ लेके आ गया? कहाँ है हम? ये एक नॉलेजेबल जगह है। अच्छा, किसी के काम की जगह है। शायद अपने काम की नहीं हो, पर किसी के काम आ जाएगी। ये आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि बताता हूँ और क्या क्या यहाँ पर होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सुबह आप समझ चुके होंगे कि माहौल पीछे कुछ चेंज है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेट अंदर आशीष डेली व्लॉग्स। और भाई सैम्स ईसानी भी हमारे साथ हाजिर है। सैम्स भाई, सैम्स ईसानी, अच्छा ओके, सही है सैम्स वर्ल्ड यार, एक ही बात है यार। हाँ। लेकिन तू ये कहाँ पर लेकर आ गया सुबह सुबह यार? नाश्ता भी नहीं करवाया, ये भी नहीं किया, कहाँ पहुँचा दिया यार? जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। जो लेडीज है जरा गौर से देखे, जो आप कपड़े रोज पहन रही है, जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो कैसे हो रही है, आए तो आपको अंदर लिए चलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो भाई एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में हम आ चुके हैं। सैम्स वर्ल्ड बेचारे ने भगा भगा के मार दिया, कभी कहाँ लेके जा रहा है, कभी कहाँ लेके जा रहा है। ये फैक्ट्री का सीन नहीं है, ये कहाँ पर है? ये हम अभी ऑफिस में आए हैं दोस्त के, तो जिस मालिक की ये फैक्ट्री है उसके साथ हम थोड़ा सा गपशप करेंगे, फिर हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। यार तू मालिक की ऑफिस में बैठा हुआ है, कैसे कुत्ते की तरह जमीन में बैठा हुआ है यार? ये तेरी औकात है? ये चाचा कौन अपने फ्रेम में आ रहा है? चाचा बच्चे पीछे नजर नहीं आ रहा है, चाचा गए और हम भी गए। खत्री साहब, ये हैं हमारे औरंगजेब खत्री साहब। मालिक, मालिक हमारे पुराने यार। आपने हमें टाइम दिया। हमारे पास सिंधी में कहते हैं जेडा उठ ओडा लोडा, मीन जितने बड़े ऊँट होंगे ना उतने बड़े उसके झटके होंगे, झटके होंगे। आपने अपने मसरूफ वाले टाइम में हमें टाइम दिया। तो भाई ये इनका पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम चल रहा है। एम्ब्रॉयडरी का काम, ठीक है। शोर सुन सकते हैं, हो सकता है आपको हमारी आवाज़ थोड़ी सी कम आए, लेकिन बिलीव भी ये चीज़ें देखने जैसी है तो ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ये मशीनें जितनी भी हैं ये अलग अलग साइजेस में आती है। 48 हेड की होती है, 42 हेड की होती है, 24 हेड की होती है। बेसिकली हमारे पास जो मैक्सिमम हेड है वो 48 हेड है और मिनिमम जो हेड है वो 42 हेड है। और ये नॉर्मली इसमें डिज़ाइनिंग की जाती है। ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है, ये कंप्यूटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कंप्यूटर है जहाँ प्रोग्रामिंग फिक्स की जाती है, जहाँ पर प्रोग्रामिंग हम फिक्स करेंगे। और ये जो कंप्यूटर है वो इस हेडों को कंट्रोल करता है और इस तरह से एम्ब्रॉयड करता है। फैक्ट्री लगाया क्या तू? हर सीन में खड़ा हुआ, तू हर सीन में खड़ा हुआ यार, हर सीन में खड़ा हुआ है। इसकी माँ क्या, किधर अपने कोने में खड़ा हो तब भी तो ये रहा है, और जबकि इंटरव्यू तू ज़्यादा ले रहा है, आवाज़ मेरी आ रही है तो सुनो। ये हमारे मैनेजर है जो यहाँ पर डिपार्ट को संभालते हैं और लेबर्स को सारा कंट्रोल करते हैं। अकरम भाई इनका नाम है जी। अकरम भाई, कैसे मिजाज है आपके? अकरम भाई शुक्र है। ये काम आपका पहले तजुर्बा था या आप डायरेक्ट यहीं पर आके सीखे? नहीं, मेरा पहले तजुर्बा था, मैं छिपली मशीन चलाता हूँ, उसके बाद इस काम पे आया। यार तुम मतलब इस फील्ड में कब से है और ये तुम्हारी फील्ड कब से चलती जा रही है? बेसिकली हम लोगों की फील्ड है फैब्रिक्स की ना। फैब्रिक्स की तो हमारे ग्रैंडफादर से चलती हुई आ रही है, दादा के ज़माने से चलती हुई आ रही है। उसको हम लोगों ने अब ट्रेंड वक्त के हिसाब से हम लोगों ने उसको थोड़ा सा चेंज किया। वो फील्ड अपनी जगह है जो चल रही है हमारी फैब्रिक्स की, उसके साथ साथ हम लोगों ने जदीद जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी का काम इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा था मार्केट में, अभी से नहीं बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। लेडीज़ काम कभी ख़त्म हो सकता है मेरे भाई? जी बिल्कुल, लेडीज़ काम तो कभी नहीं हो सकता, मतलब और ज़्यादा बढ़ता ही जाता है।
और जिस तरह से अभी ब्रांड भी आ गए काफ़ी सारे, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली हम लोगों के पास जो एम्ब्रॉयडरी मशीनरीज है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इंटीरियर सेंस के लिए काम करते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ से लेकर थर पारकर तक कवर करते हैं, और पंजाब वाली साइड पर जाएँ तो ढेकी गोटकी तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो हमारा अपना एक ब्रांड है एवन के नाम से, जो पूरा इंटीरियर सीन को कवर करता है। तो यहाँ हम लोगों के पास चीज़ें आती है, फैब्रिक्स आता है वहाँ से शॉप से, हम लोग उसको एम्ब्रॉयड करते हैं। डिज़ाइनिंग मैं खुद करता हूँ, डिज़ाइनिंग की भी इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखाऊंगा उसमें किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सिखाया है कैसे वो भी बता दियो। हाँ बिल्कुल, हमारे उस्ताद साहब यही हैं, सारा डिज़ाइनिंग फील्ड में हम लोगों को लाने वाले पर मैं बच गया। तो क्या हो गया यार, तू भी तो क्या है ये? कैप्टन अमेरिका और वैसे सुपरमैन होता हूँ, और मैं हूँ कैप्टन पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। इसमें ख्याल रखा जाता है एक एक धागे का, एक भी धागा मिस होता है तो आगे जाके डिज़ाइन उसका मिस हो जाता है। तो इन सब का ख्याल रख के उसको वार्पिंग को यूज़ किया जाता है। सारे धागे स्टेप बाय स्टेप में लपेट के इसको हम पूरा ड्रम्स के अंदर लपेटते हैं। लपेटने के बाद फिर हम इसको जो है भीम के अंदर लपेट के वो मशीन के ऊपर लगाते हैं। ये वो मशीन है जो हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट की है। इस वक्त हम लोग दो लेके आए थे सैम्पल के तौर पे, अब अप्रूव हो गई है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट में कुछ टाइम के बाद हमारी और मशीनरीज आ रही है। तो ये जो मशीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो धागा जिस तरह से तैयार किया गया है, ये सारा धागा यहाँ ये भीम लगाया जाता है, और एक एक धागे को अलग अलग बेस में डाला जाता है और उस तरह से कपड़ा तैयार किया जाता है। ये इसका बैक रिजल्ट है, वो उसका फ्रंट रिजल्ट है। मशीन है, बहुत सी जगहों पे मैनुअल मशीन लगी हुई है, मगर इतनी लोडेड कंप्यूटराइज मशीन और कहीं नहीं है पाकिस्तान में। मैं इसका कंप्यूटर आपको दिखा सकता हूँ, ये इसका पूरा कंप्यूटर कंट्रोलर है इसका पूरा, जिसके अंदर हम स्पीड देख सकते हैं कितनी आरपीएम पे ये चल रही है, इसका एंगल्स क्या चल रहा है, इसका पिक कितने चल रहे हैं, कितना भारी और कितना हल्का कपड़ा चलाना है हमने, इसका ब्रेक वेव से ये जो धागा जा रहा है कितनी दफ़ा ये टूट चुका है, और प्लस इस वक्त कितनी क्वांटिटी ये निकाल चुका है, और आज की क्वांटिटी सुबह से लेके अब तक कितनी हो चुकी है, ये सारी एक डिस्प्ले में मेंशन कर रहा है। डिज़ाइन भी इसी के अंदर दिया जाता है, और इसी हिसाब से ये वेब इसका चलता है। कभी किसी बड़े ब्रांड के लिए मतलब कोई काम किया, किसी का कोई प्रोजेक्ट किया? नहीं, हम बेसिकली हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। मेरे कज़न है जो बड़े ब्रांड से लिए जे डॉट वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, मगर हम लोगों को अपने काम से इतनी फुर्सत नहीं है कि हम लोग मतलब जाएं और किसी से और से काम मतलब लेके करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही अपना काम इतना है कि हमारे पास 6 मशीनें पड़ रही है, 6 मशीनें भी हमें लगता है कम है। कम है, अच्छा। तो हम चाहेंगे कि और बढ़ाएं अपने काम के लिए। मार्केट में हर कोई अभी रो रहा है कि यार बिजनेस नहीं है, सारी मार्केट क्रश हुई भी है, और जो मतलब इवन मैं अपनी सिचुएशन बताऊं तो जो हमारा बिजनेस था जो चल रहा था, मतलब कहते हैं ना बिजनेस
प्रॉफिट में भी अगर लॉस होना शुरू हो जाए तो वो लॉस ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ सेविंग्स अभी हमने फोड़ना शुरू कर दी है जी, तो क्या इस फील्ड में भी कुछ नुकसान नजर आ रहे हैं? जी जाहिर सी बात है, पूरी मार्केट एक सिस्टम है, जाहिर सी बात है जब मार्केट में काम नहीं होगा तो हमारे पास भी नहीं होगा। अभी काफ़ी हालात ऐसे हुए हैं जिसमें काफ़ी फ़र्क आया, हमारे काम में भी काफ़ी फ़र्क आया है, मगर ये है कि वक्त के हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आगे जाके कुछ ज़्यादा अच्छा होगा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट मेरे पास डे और नाइट दोनों चल रही है, तो मशीन 40+ 35+ होंगे मेरे पास। चले 35+ आप 40 लगाए यार, 40 लोगों को रोजगार देना, मतलब देने वाली जात अल्लाह की। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वसीदा आपको किया हुआ यार। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चीनी किसकी किसकी है? मैं सर प्लीज नहीं नहीं आप मैं बैठ जाए आराम से सर। चीनी किसकी किसकी है सर? मेरे बारे में ये जो मशीनरीज हैं, ऑफ कोर्स ये छोटी नहीं होंगी, बड़ी बड़ी मशीनरीज होंगी ना, तो मैंने कुछ ऐसी मशीनरीज के बारे में भी सुना हुआ है कि जब आप लोग ये मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो वो मशीन को पहले क्रेन के थ्रू अंदर डाला जाता है, फिर उसकी छतें लगाई जाती है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल इसी तरह से होता है। नहीं, हम लोगों ने असल में बेसिकली यहाँ जब डिज़ाइन की फैक्ट्री को, तो हमने बनाया इसी वजह से, उसके गेट इतने बड़े बड़े हमने इसी वजह से बनाए ताकि हमें कोई तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। अगर मशीनरी इसमें हमारी आती है तो हम पूरे गेट को ओपन करके ईजिली उसको क्रेन के थ्रू, या वो चेन कुप्पी आजकल कहते हैं, वो मैन्युअली काम हुआ करता है, उसके थ्रू हम मशीन को इन करते हैं। वो मशीन को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने के बाद उसको सेट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं एक जगह फिक्स हो जाए ना तो उसको वहीं रहने देते हैं। तब तक ये पढ़ लो चाइनीज में क्या लिखा हुआ है। ये था एक फैक्ट्री का छोटा सा टूर, और इसके बारे में आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन सुनी है, ऑफ़ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए बड़ी नायाब थी। इस तरह के माहौल में, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, आई डोंट नो कि आप लोग पहले गए हैं नहीं गए, लेकिन अगर आप लोग गए भी हैं तो अपने कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि भाई ये आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और क्या ऐसी ही दूसरी चीज़ें, ऐसे ही दूसरे व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं? अगर यस तो फिर कमेंट में प्यार भरा मैसेज ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही मेरे ख्याल से हम आज के व्लॉग को एंड करते हैं। सैया बाय बाय अल्लाह हाफिज़। दादा ये इसकी क्या कहानी है? बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे जो है मुर्गी और मुर्गे वगैरह हैं, उसके बच्चे भी हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि ऊपर जो चील कौवे घूम रहे हैं ना, वो उनको उठा के ले जाते थे। अच्छा, तो ये हमारे चौकीदार ने ये दिमाग लगाया है, जिसकी वजह से अब चील और कौवे नीचे नहीं आते, वो उनको फील होता है कि कोई है, जो जिस तरह से खेतों में बंदा खड़ा होता है और डमी खड़े करते हैं, उसी तरह से उसी बिहाफ पे ये चीज़ लगाई गई है। वाओ, तेरे को भी कोई चील कमाने ले जाए तो अपने घर की छत पे ऐसा लगवा ले भाई। अरे मैं खुद चमगादड़ बन के घूम रहा हूँ। हाँ यही बात है, कौन उठाएगा यार? यही बात सही है, तेरे को बस एक ही जात उठा सकती है मेरे भाई। इंशाल्लाह ताला अपन साथ ही उठेंगे बेफिक्र।